आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों आज हम सॉल्व करेंगे आप सभी का जो ITI का रियल पेपर है वो कैसे आपको देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नाम आ गया है, उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है कैसे कैसे क्या करना है। प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको कुछ इस प्रकार से आपको क्या है नीचे तक स्लाइड करके सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, नेक्स्ट पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ देख पा रहे हैं साथियों कुछ थोड़ी सी डिटेल आई है और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है आई एम रेडी टू लॉग इन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप क्या करेंगे, आप अपने पेपर पे जो है लॉग इन आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ आपको दिखाई जाएगी। उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं आपका जो पूरा है वो पेपर खुल के आ गया, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आप सभी को दिखाएं ये जो आप देख पा रहे हैं साथियों। यहाँ पे अगर हम बात करें, प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक बने रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे अभी का जो सेशन है थ्योरी का है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी जो सेशन चल रहा है ये थ्योरी का चल रहा है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो लास्ट क्वेश्चन है साथियों ये आप देख पा रहे हैं 38 क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है देखना है लास्ट तक। और यहाँ पे अगर हम आप सभी को बताएं क्वेश्चन आ गया, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे व्हाट्सअप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे आप सभी का इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल का क्वेश्चन आ जाएगा जो कि 25 क्वेश्चन है। तो कैसे कैसे हल करना है इसके बारे में बताते हैं, थोड़ा हल करके दिखाते हैं और आपको वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। देखिए क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे साथियों, थोड़ा सा हम इसे साइड में कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि BIS के अनुसार नम्य कार्ड के लिए कापर का कंडक्टर न्यूनतम क्षेत्रफल क्या है क्रॉस सेक्शन, तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको टिक लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है टिक करने के बाद इसे हम थोड़ा साइड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर साथियों नीचे आप देख पा रहे हैं सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे साथियों देख पा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन जो है बदल गया और यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन हरे रंग का हो गया, मतलब ये ओके हो गया इस प्रकार से है। उसके बाद अगर आप नीचे अगर आप चाहते हैं इस दूसरे क्वेश्चन को नहीं करना है तो यहाँ पे आप नीचे मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट के लिए, तो आपको इस पर क्लिक करेंगे। तो साथियों आपके अनुसार क्या है कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है दूसरा क्वेश्चन छोड़ के आप देख पा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन छूट गया, आप तीसरे क्वेश्चन पे जो है आ गए और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन है। तो वो ऐसे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम आप सभी को पेपर सॉल्व करा के बताने वाले हैं। अगर ये पेपर आपको चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और यहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिलता है, सारी क्रिया यहाँ से आप कर सकते हैं। साथियों प्लीज़ पेपर को डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तैयारी के लिए।